इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए अपनी ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें टेस्ट कप्तान और 2019 वर्ल्ड कप के हीरो बेन स्टोक्स को जो है वो दोबारा शामिल कर लिया है। बेन स्टोक्स, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में वो ODIs भी खेलेंगे। T20 और टेस्ट क्रिकेट के बाद उन्होंने जो रिटायरमेंट का ऐलान किया था वनडे इंटरनेशनल से, वो उन्होंने वापस ले लिया है और वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में बेन स्टोक जो है वो दोबारा शामिल कर लिए गए हैं वनडे इंटरनेशनल में। 2019 के वर्ल्ड कप में वो हीरो थे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के। 2019 का जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था उसमें इनका बहुत अहम किरदार था, तो 2023 के वर्ल्ड कप में भी बेन स्टोक शामिल होंगे।